अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम आपके सामने एक अनोखी और एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं जो सारे लोगों को पसंद आएगी। आज हम आए हैं हाईवे किंग रेस्टोरेंट जो खाड़ पड़ा के आगे टोल नाके के आगे पड़ता है। मैं आपके सामने एक बात कहूँ कि हाईवे पे जितने भी होटल पड़ते हैं किसी होटल का नाम नहीं लूँगा, सारे लोग जानते हैं कि पनवेल से लेकर मानगांव तक कितने होटल हाईवे पर आते हैं। हर होटल में मैंने खाना खाया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लोगों के कहने पे हाईवे किंग में भी हम आए, लोगों ने काफ़ी तारीफ की कि हाईवे किंग में बेस्ट क्वालिटी का खाना दिया जाता है, सर्विसेज अच्छे हैं और यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत कॉपरेट करता है। इसी नियत से हम लोग यहाँ पर आए हैं और आज हमने देखा है यहाँ पर कि वाकई में हाईवे किंग होटल के मामले में किंग है। यहाँ का खाना सबसे बेस्ट होता है, यहाँ की सफाई, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के लोग, यहाँ का बात करने का तरीका बहुत ही अच्छे तरीके से माशाल्लाह लोग हैंडल करते हैं और बहुत ही कोऑपरेट करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको इस होटल का पूरा नज़ारा बताऊंगा और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हाईवे किंग में हमारे रिक्वेस्ट पे ज़रूर आइए, आप एक बार यहाँ का खाना टेस्ट कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आया, मैं दूंगा इस वीडियो में जो नंबर दूंगा उसके पर कमेंट करके आप ज़रूर कहिएगा कि आपको खाना पसंद आया कि नहीं आया। चलिए सबसे पहले हम इस होटल का आपको नज़ारा कराते हैं, उसके बाद यहाँ के ऑनर से भी बात करेंगे। चलिए अब हम यहाँ के जो ऑनर है, जैसे मेरे बाएं जानिब जो है यासर भाई बैठे हुए हैं और मेरे जो सामने जो यहाँ के ऑनर जो है मौलाना अब्दुल हक साहब जो यहाँ के ऑनरशिप में शामिल है, मैं चाहूँगा कि इनसे थोड़ी बात हो जाए क्योंकि हम इस होटल में आए और हमने जो सर्विसेज देखी है वाकई में लाजवाब। कई सालों से कितने सारे होटल है जो चल रहे हैं लेकिन ये होटल जब हमको पता चला कि नया होटल खुला है और हमने जब यहाँ के सर्विसेज देखे, वल्लाही कहता हूँ कि दिल गवारा नहीं कहता है कि किसी और होटल में मैं चला जाऊँ। ये मैं अपने आप की बात करता हूँ, अपनी ज़ाती राय में आपके सामने पेश करता हूँ। चलिए मैं जो है इस ऑनर के बात करता हूँ कि इसके फैसिलिटीज़ क्या है, इसके बारे में थोड़ा मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना अब्दुल हक साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहला सवाल, दो से तीन सवाल मैं करूँगा। सबसे पहला सवाल यह है कि इस होटल को स्टार्ट किए हुए कितना टाइम हुआ है आपको? तकरीबन 4 महीने हो गए इस होटल को स्टार्ट किए हुए। 4 महीने, माशाल्लाह। अगर 4 महीने हुए हैं लेकिन हम जिस तरह से यहाँ पर पब्लिक का जो आवाज जावाज जो चलती है, ऐसा लगता है कि कई सालों से, सदियों से होटल चलता आ रहा है, माशाल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस आपको मिला है, आखिर ये जो रिस्पांस आपको जो हाफिज साहब मिला है इसका, इसकी जो खसूसियत है वो क्या हो सकती है? वाकई में यहाँ का खाना और यहाँ के स्टाफ और यहाँ की सर्विस, मैं जानना चाहूँगा कि क्या बात है कि लोग यहीं पर आपके पास आ रहे हैं, रत्नागिरी से लेकर रायगढ़ से लेकर सारे लोगों को आपने जो है कैचअप करके रखा है, मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से ही इस कारोबार को हमने मिलजुल कर शुरू कर दिया और अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्तिदा से ही इसमें खैर व बरकत अता फरमाई
यही वजह है सबसे पहले कि आप यहाँ पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स देख रहे हैं। माशाल्लाह तबारकअल्लाह। मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, जैसे मैं मेरा जो ड्राइवर है वो सलमान, वो भी आता है, वो काफ़ी कहता है कि अगर यहाँ पर कुछ भी कभी गाड़ी की भी कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ के जो ऑनर है वो बहुत ज़्यादा कॉपरेट करते हैं। जैसे कभी किसी गाड़ी ख़राब हो गई या किसी और तरीके की कोई प्रॉब्लम आई, आप होटल के अलावा कोई और भी अगर कस्टमर को प्रॉब्लम होती है तो उसको भी सॉल्व करते हैं। क्या ये बात हकीकत है? जी जी सही बात है। ये होटल पे लगने वाली गाड़ियाँ रहें या रास्ते में चलने वाली कोई भी गाड़ियाँ रहे, किसी की भी रहे, वो आए या ना आए, अगर हमारे अतराफ के अंदर किसी गाड़ी वाले को कोई दिक्कत आती है तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान यही है कि हर तरह की हमसे जो भी मदद बन पड़ती है हम उनकी मदद कर लेते हैं। ये मैकेनिकल के ताल्लुक से रहें या दूसरे किसी और एतबार से रहें। माशाल्लाह तबारकअल्लाह। तीसरा सवाल मैं सुनना चाहूँगा कि यहाँ पर जो नमाज का एहतमाम किया गया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पर नमाज का जो एहतमाम किया गया है मर्दों के लिए अलहदा किया गया है और औरतों के लिए अलहदा किया गया है। माशाल्लाह, खास ये बात सबसे अच्छी लगी है। मैंने अक्सर होटल में देखा है कि मर्दों के लिए इंतजाम होता है लेकिन औरतों के लिए कोई जगह नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ आपने कही है हाफिज साहब के औरतों के लिए एहतमाम किया गया है और बाकायदा पर्दे का एहतमाम किया गया है। ये लीजिए, हम जहाँ पर बैठे हैं यहाँ पर मर्दों का इंतजाम किया गया है और आप देखिए ये जो पर्दा लगाया हुआ है इस पर्दे के पीछे जो है लेडीज़ का एहतमाम किया गया है। यानी कितनी अच्छी बात है कि माशाल्लाह आपने ख़वातीन का भी ख्याल रखा ताकि उनकी भी नमाज जो है ज़ाय ना हो जाए। इसी तरीके से वॉशरूम का भी मैंने यहाँ पर देखा हूँ कि बाकायदा जो आपकी सफाई है वॉशरूम की भी, अक्सर होटलों में जाते हैं देखते हैं कि वॉशरूम की सफाई नहीं होती है, लेकिन यहाँ की सफाई भी माशाल्लाह लाजवाब थी। माशाल्लाह कि आपका स्टाफ जो है काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। कितना स्टाफ होगा आप साहब यहाँ पर? तकरीबन 30 स्टाफ है। माशाल्लाह 30 स्टाफ, यानी बहुत ही लंबी टीम है। वाकई में इतनी लंबी टीम होगी क्यों नहीं, क्योंकि इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी आपको मिल रहा है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि एक मरतबा आप सिर्फ एक बार इस होटल में आइए, यहाँ का खाना खाइए, यहाँ का टेस्ट चेक कीजिए। आपने दूसरे भी होटल में क्या होगा दूसरे होटल में खाइए, वही डिश यहाँ पर भी चेक किए, अगर आपको जायके में क्वालिटी का फर्क नहीं आया तो आप इस वीडियो में जरूर कमेंट करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी आज इस वीडियो के जरिए जो दावत आप तक पहुँच रही है, मैं चाहूँगा हाफिज साहब आप भी अपने जबान से दावत दें इस होटल के लिए। जी, मैं इस रास्ते से जाने वाले तमाम हजरात से, हमारे हिंदू मुस्लिम तमाम भाइयों बहनों से जो बम्बई जाते हैं कोकण से या बम्बई से अपने गांव चले जाते हैं, और खुसूसन मैं कोकण के तमाम हजरात से गुजारिश करता हूं कि आप यहां पर कसीर तादाद में आइए, इंशाल्लाह किसी किस्म की शिकायत का मौका आपको नहीं दिया जाएगा और हर एतबार से आपकी तमाम सहूलियात का ख्याल रखा जाएगा। माशाल्लाह तबारकअल्लाह, जज़ाकअल्लाह। देखिए कि मैं आपसे कहूँगा कि मैंने अक्सर जो है होटलों की वीडियो बनाई है और होटल के जो ऑनर्स हैं मैंने उनसे बात की है, तो कई मरतबा देखा कि वाकई में होटल के जो ऑनर्स होते हैं वो इस तरीके से बात करते हैं जो चीज़ें होती हैं। लेकिन आज मैंने हाफिज़ साहब का और जो यासर भाई इनका जज्बा देखिए कि माशाल्लाह इतना बड़ा होटल ये लोग चला रहे हैं, लेकिन इनकी जो इनका इखलास देखिए, इनका बैठने का तरीका देखिए, इनका बोलने का तरीका देखिए। वरना दूसरे होटल में आप देखते हैं कि बोलने का तरीका कैसा होता है, जब बाकायदा एटीट्यूड से कहा जाता है, लेकिन देखिए माशाल्लाह बातों में नरमी और जो है सादगी हमको नज़र आई है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ हाफिज़ साहब कि अल्लाह ताला सबसे पहले इस होटल को आपके इस निज़ाम को नज़र बस से बचाए, दिन दूनी रात चौनी तरक्की अता करें। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस होटल पर लोग विजिट ज़रूर करेंगे और इंशाल्लाह कसीर तादाद में आकर जो है यहाँ के ऑनर्स को जो है शुक्रिया का मौका देंगे। चलिए वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।